हेलो गाइस, आज मैं आपको पोयम 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, हर लेसन के बाद एक पोयम है, तो आज लेसन 3 पोयम है। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर पोयम? द क्वारल। क्वारल किसने लिखी है? ये राइटर है एलेनियर फ्रासर ने। एलेनियर फ्रासर ने ये लिखी है और इस को मैं एक एक लाइन पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेरी शॉर्ट पोयम है। आई क्वारल विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट। क्वारल माने झगड़ा। अब ये कह रहे हैं जो पोएट है हमारे, ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई के साथ मेरा एक झगड़ा हो गया। अब ये नहीं मालूम कि वो कारण क्या था। One thing led to another and somehow we fell out. एक छोटी सी बात पे बिना कोई भी एक मुद्दा नहीं था, बिना मुद्दे के ये झगड़ा शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गया। और वो कह रहे हैं कि बिना बेवजह, कोई छोटी सी बात थी लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई। एंड द स्टार्ट इट वॉज अ स्लाइट एंड इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग। बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया और दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। ही सेड ही वॉज राइट एंड ही वॉज रॉन्ग। वो यही बोलता रहा, उसका भाई वेट के भाई ने यही बोलता रहे कि मैं सही हूँ सही हूँ और तुम गलत हो। कोई भी अपनी गलती मान नहीं रहा था। वी हेटेड वन एनदर, द आफ्टरनून टर्न बैक। पूरी दोपहर ही निकल गई, दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो हेटेड नफरत करने लग गए। दैट सडनली माई ब्रदर थंप मी ऑन द बैक। फिर अचानक क्या हुआ, मेरा भाई मेरे पास आए, वेट के भाई आए और मेरे पीठ पे थपथपा के बोले, ओ कम ऑन ऑफ, अरे छोड़ो, वी कांट गो ऑल नाइट। पूरी दोपहर हो गई, छोड़ो लड़ाई झगड़ा, चलो आपस में फिर से बात करना शुरू करते हैं। अब पूरी रात को अपन ऐसे नहीं निकाल सकते, पूरी दोपहर तो अपन ने बिना बात करे निकाली। आई वॉज इन द रॉन्ग एंड ही वॉज इन द राइट। चलो मैं अपनी गलती मानता हूँ, तुम सही थे। जबकि दोनों पहले तो गलती मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए झगड़ा बढ़ता चला गया। आखिर में उनके भाई ने अपनी गलती मानी और कोएट को भी लगा कि नहीं, मेरी गलती थी, मेरे भाई की नहीं थी। जरा सी बात पर अपन ने बतंगड़ बना लिया। इसको कहते हैं राइट का पहाड़ बनाना, छोटे से झगड़े को बड़ा रूप दे दिया। लेकिन आगे बढ़कर उनके भाई ने सॉरी बोला तो इनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें ये फालतू की बात पे झगड़ा नहीं करना था, इतनी सी छोटी सी बात को भूल जाना था। तो ये छोटी सी पोयम थी, एलेनियर फ्रासर ने लिखी है और ये हमको एक मैसेज भी देती है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको उस पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए और इन बातों को भूलते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हो भी रहे झगड़ा तो अपन आगे बढ़कर उसको शांत, उस झगड़े को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको PDF के थ्रू इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एक्सप्लेन कर दूंगी और भेज भी दूंगी। ठीक है, ओके बाय।